खाने, उन लोगों को तो पता चलेगा नहीं कि भाई हम लोगों ने तो इन्वाइट बहुत लोगों की है, तो अरे हम लोग ऐसे एक्ट नहीं करने का, हम लोग जाने का वो बच्चे के पास बोलने का, अरे बीबी बहुत बड़े हो गए तू। ऑलराइट, सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लाइक जनरली मैं घर से जब बाहर निकल रहा था तो इतनी तगड़ी वाली धूप निकली हुई थी, मेरे को लगा भाई अब आने वाले एक सालों तक तो बारिश होगी ही नहीं। जस्ट 3 मिनट बाद भाई इतनी तेज बारिश होने लगी कि लिटरली मेरे को कहीं रुकने तक का जगह नहीं था। और देखो मैं इसके कहने पे ही बाहर आया था, और ये भाई वहाँ से मस्त में छतरी लेके आ रहे हैं, और मैं भाई कहाँ जाऊँ, अचानक इतनी तेज बारिश हो गई कि राय भी लाइक अभी छोड़ो। अरे मैं घर से निकला ना, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, इतनी सी भी नहीं। मेरे को क्या लगा मालूम है, आज तो बारिश होगी ही नहीं, ठीक 5 मिनट बाद इतनी तेज होने लगी ना। बस ना भाई, मैं भीग रहा तो तू क्यों गिर रहा है? चलो अब नॉर्मल बारिश में थोड़ा वॉक करते हैं, फिर घर पे जाता हूँ। यार मेरे को नहीं भीगना था यार, मस्त घर पे कॉम्फी कॉम्फी होके सूखा सूखा बैठा था। हट। और भाई एक तो आईफोन की अच्छी बात ये है कि वाटर प्रूफ है, बट वाटर प्रूफ है फिर भी डर लगता है। बट मैं इसको लेके बहुत बार बारिश में भीगा हूँ, पूरा 3-4 बार, तो अब तक कुछ नहीं हुआ, तो इस बार क्या होगा, और होगा तो सीधा एप्पल स्टोर में जाऊँगा, बोलूँगा ब्रो क्या है ये। ऑलराइट, सो बहुत हो गई वॉकिंग चॉकिंग है, और बारिश तो अभी भी धीरे धीरे हो ही रही है। ये सीढ़ी की लगी है भाई, ये वाली आई ना, थोड़ा कैमरा थोड़ा ब्लरी सा लग रहा है, जस्ट बिकॉज पानी के ड्रॉपलेट्स कैमरे में पड़ते ही जा रहे। देखते ना वो साइड क्या है, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, रुको थोड़ा देख के आता हूँ। देखते तो है, मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। गोइज है, ये का है बे, रोड है बे, यहाँ पे तो आप आए थे ना ऐसे में गाड़ी में। अच्छा मेरे को लगा भाई सीढ़ी से चढ़ के वो साइड देखूंगा तो एक नई दुनिया दिखेगी मेरे को। तो मेरे को लगा कुछ नया दिखेगा, बट ये तो नॉर्मल है भाई। राइट भाई, सो लिटरल में इतनी तगड़ी अचानक से बारिश होने लगी कि अबे लेकिन मैं तो भीगा हुआ हूँ ऑलरेडी, मैं क्यों बच रहा हूँ। वाह, अलग ही लेवल में बारिश हो रही है भाई। मेरा वाटर प्रूफ दिख जाता। देना मैं, अच्छा हाँ छोड़, बेचारे का फोन वाटर प्रूफ नहीं। तेरा फोन वाटर प्रूफ है, तू नहीं। हाँ हाँ मजा आता है भाई लेकिन बारिश में। अबे मैं भीगा नहीं था, नहीं तो मैं अगर मैं भीगा नहीं होता ना तो मैं लिटरल में नहीं आता बारिश में, बट मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ भाई, अब क्या बचने का फायदा। वाह, ओह अलग ही लेवल में बारिश हो रही है भाई। तो मैंने छतरी के बाहर कर दिया, दे दे फोन, दे तेरा फोन दे, हाथ में अब भीगेगा भाई। क्या सही बारिश है भाई, ऐसी ये बारिश में ऐसे भीगने में मजा आता है मालूम है। चल पवई, अबे हाँ तुम लोग को मालूम है पवई में ना पूरा झरना आ गया होगा मालूम है इतनी तेज बारिश में। इतना फनी है, सब छतरी लेके देखा खड़े हैं, सबके पास छतरी है, बट रहना इन लोग को लेके इसके नीचे। भाई जेन्युइनली बारिश में भीगने में तो बहुत मज़ा आ जाता है, बट भाई जब से घर पे आया हूँ तब से जो गहरी वाली नींद लग रही है ना, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता, मतलब इतना आछू आछू हो रहा है। थोड़ा आराम करता हूँ फिर निकलता हूँ बाहर, अभी भी बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है, थोड़ा कम होगा तो फिर चलते। थोड़ा एक्चुअली मैं भुट्टा खाने का मन हो रहा है भाई, वो एकदम गरम गरम वाला, तो वेट करते बारिश के ख़त्म होने का। फिर से थोड़ा सा बाहर का चला गया, फिर से देखो भीग गया भाई है? ये जो एक्चुअली में ना बारिश में जब बाहर जाओ तो यहाँ इतना सेफ रहता है, इतना तो सेफ रहता है, बट नीचे जो पैंट का सीन है ना भैया, वो बहुत खराब होता है। आजू बाजू से इतने छींटे उड़ते हैं दया, इतने छींटे उड़ते हैं कि पैंट गीला हो जाता है दया दया, पैंट गीला हो जाता है। थोड़ा सा येड़ा पेड़ा है यार ये दया, क्या बोल रहे हो महोदया। ऑल राइट, सो लिटरल मस्त में भुट्टा खाने के लिए निकल गया हूँ भाई, और देखो छतरी में छुप के ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, पीछे से मालूम पड़ जाएगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो छतरी के अंदर हूँ भाई। पता नहीं मेरे को क्या हो गया भाई, माफ करो, ऐसे ना मेरे को दौरे पड़ते रहते। मैं पागल होते रहता हूँ, कोई बात नहीं, चलते अभी मस्त में, हवा बहुत चल रही है, और बारिश दिखा दो तुम लोग को, रुको। अरे ओ, इतनी तेज हवा चल रही है कि भाई छतरी नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं, और इतना तेज हवा चल रहा है ना,
बट भाई भले इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं बोल रहा हूँ भाई बारिश में अगर पूरी मुंबई डूब भी जाएगी ना, फिर भी मैं कभी नहीं ये कन्फेस करूंगा कि गर्मी बेटर है, बारिश बेटर, गर्मी नो बेटर। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, घर पे बैठ के भाई पॉपकॉर्न वगैरह खाना चाहिए, गेम वगैरह खेलना चाहिए, क्या ये बाहर छतरी लेके इतने बारिश के बीच में हम दोनों वापस से घूमना चाहिए भाई ना, नहीं घूमना चाहिए। और जब घर में बैठना चाहिए तो भाई छतरी लेके पहले निकलते हैं, समझ रहे हो भाई। बारिश तो बढ़िया है और वेदर भी मतलब नेक्स्ट लेवल। सो लिटरल में हम लोग अभी बैठे हैं मैकडॉनल्ड में और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मस्त सी बर्थडे पार्टी चालू है। तो इस महान इंसान का प्लान ये है कि हम लोग चलते हैं और बैठ जाते हैं और हम लोग को भी कुछ मिल जाएगा खाने। हम लोगों को तो पता चलेगा नहीं कि भाई हम लोगों ने तो इनवाइट बहुत लोगों की है, तो अरे हम लोग ऐसे एक्ट नहीं करने का, हम लोग जाने का वो बच्चे के पास बोलने का, अरे बेबी बहुत बड़े हो गए तू, हाथ मिला लो फटाफट। वैसे वैसे बर्गर मिल जाता तो एक दो बर्गर खाना तो मतलब कुछ नहीं होता, क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छा वाला बर्गर भाई महाराजा। राइट, सो फाइनली जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं आ गए हैं, सुबह यहीं से स्टार्ट किया था और वापस इंडिया यहीं आके एकदम बैठ गया वापस। सो दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुबह से बारिश हो रही है, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि 5 सेकंड के लिए भी बारिश रुक गई हो, कंटिन्यू बारिश हुई 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 अभी तक हो ही रही है। सो मिलते हैं तुम लोग से कल एक और बारिश वाले व्लॉग में, हाँ हाँ बाय।